नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करेंगे हाई स्पीड में और बात करेंगे प्रधानमंत्री की नई योजना के बारे में। आपको बता दें कि अब सिर्फ 180 रुपए में सिलेंडर दिए जाएंगे और 81 लाख नए सिलेंडर और दिए जाएंगे। और अगर आपके पास पहले से सिलेंडर है तो आप उसे सिर्फ 180 रुपए में रिफिल यानी दोबारा भरवा सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट सरकारी योजना, जॉब रिजल्ट, एडमिट कार्ड आदि सरकारी न्यूज आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके बता देते हैं कि क्या योजना और कैसे आपको सिर्फ 180 रुपए में सिलेंडर है वो दोबारा भर के मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत सरकार की ओर से दिए गए फ्री में गैस जो गरीब परिवार हैं वो दोबारा नहीं भरवा सकते। तो इसको लेकर सरकार ने एक योजना निकाली है जिसके तहत गरीब परिवार भी पैसे की किल्लत चलते हुए अपना सिलेंडर है वो कम पैसे में रिफिल करवा सके यानी दोबारा भरवा सके। इसके चलते हुए एक नई योजना निकाली है जिसके तहत गरीब से गरीब परिवार अपने सिलेंडर को दोबारा भरवा सके। इसीलिए सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एक नई स्कीम निकाली है। तो चलिए यहाँ पे आप गौर से देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यानी दोबारा प्रधानमंत्री के बनने के बाद उज्ज्वला योजना को और विस्तार दिया जाएगा। नई सरकार ने 5 किलो के गैस सिलेंडर की आपूर्ति और उनके इस्तेमाल पर जोर दिए जाने का अनुमान है। माना जा रहा है कि योजना से लाभान्वित महिलाओं ने बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के पक्ष में मतदान किया और मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई। आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत नई 8 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जाने का लक्ष्य था और अब बचे सरकार 100 दिनों में पूरा कर लेगी। आपको बता दें कि 7 करोड़ 19 लाख कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और 30 मई के बाद 100 दिन के अंदर 21 लाख गैस कनेक्शन नए बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि एक बार लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद सरकार 5 किलो के छोटे सिलेंडर का इस्तेमाल अनिवार्य कर देगी ताकि देश भर में जो गरीब लोग हैं वो इसे रिफिल आसानी से कम पैसे में करवा सकें। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र में ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर में औसतन 3 बार ही भरवाया जा रहा है जबकि राष्ट्रीय औसतन करीब 7 बार का है। आपको बता दें कि इसका बड़ा कारण यही है कि इसकी कीमत है, शायद इसकी कीमत है वो ज़्यादा है क्योंकि रिफिलिंग मुफ्त में नहीं होती। उन्होंने उम्मीद जताई है कि योजना के तहत छोटे सिलेंडर इस्तेमाल से स्थिति है वो बदल सकती है। दिल्ली में ग्राहकों को 14.2 रुपए किलो के बड़े सिलेंडर के लिए 712 रुपए देने होते हैं जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT स्कीम के तहत 215 रुपए की सब्सिडी है वो वापस मिल जाती है और 5 किलो वाले सिलेंडर जब कोई भरवाएगा तो वो सिर्फ 260 रुपए में मिलेगा और उसकी 80 रुपए सब्सिडी है वो वापस खाते में आ जाएगी। तो ऐसे करके सिर्फ 180 रुपए में 5 किलो का सिलेंडर है वो गरीब परिवार को पड़ेगा। तो इस योजना से जो गरीब परिवार है जो सिलेंडर दोबारा नहीं भरवा सकते वो छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर भरवा के सिर्फ 180 रुपए में भरवा पाएंगे। उन्हें देने होंगे 260 रुपए लेकिन 80 रुपए की सब्सिडी है वो वापस मिल जाएगी जिसके चलते उन्हें 180 रुपए का 5 किलो का सिलेंडर वो पड़ेगा। तो जो गरीब परिवार है ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते वो भी अपने सिलेंडर हैं वो वापस भरवा पाएंगे।